डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 11.5 का फिफ्थ सम करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, ये कुछ पहेलियां दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है। यू कैन मेक ए फ्यू रिडल्स ऑफ योर ओन, आप अपनी स्वयं की रिडल भी बना सकते हो। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अब इसमें से फाइंड आउट करना मैं कौन हूँ। गो राउंड ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के चारों तरफ जाओ। स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ जाओ। काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्रीस एंड नो मोर, प्रत्येक कॉर्नर को तीन बार काउंट करो, तीन बार गिनो। थ्राइस का मतलब क्या है, तीन बार काउंट करो, उससे ज्यादा नहीं। एड द काउंट टू मी, और जो काउंटिंग आए उसको मेरे अंदर ऐड कर दो, जोड़ दो। टू गेट एग्जैक्टली 34, तो आपको पूरा 34 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं कौन हूं, तो ये सपोज करना पड़ेगा, सपोज आई एम इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू द रीडर, गो राउंड ए स्क्वायर, स्क्वायर के चारों तरफ जाओ। काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्रीस, प्रत्येक कॉर्नर को तीन बार काउंट करना है, तो तीन बार काउंट करना है। एड द काउंट टू मी, और जो काउंटिंग आए उसको मेरे अंदर जोड़ दो। तो मैं कौन हूं, पहले सपोज किया हमने एक्स, और इनको मेरे अंदर जोड़ दो, चार इसके कॉर्नर है, चारों को तीन तीन बार काउंट किया है, तो एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, तो एग्जैक्टली क्या प्राप्त होता है, 34, ये इसमें दिया गया है। अब एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स में थ्री ऐड किया नाइन, नाइन में थ्री ऐड किया 12, इक्वल टू 34, और एक्स इक्वल टू 34 माइनस 12, 12 को राइट साइड लेके गए तो इधर प्लस कर रहा था, उधर जाके माइनस करेगा, एक्स इक्वल टू 22। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 22, जो कि हमने सपोज क्या किया था, आई एम, शो आई एम इक्वल टू 22, इसलिए मैं 22 हूं। इस रीडर के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू 22 है। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, हु एम आई, मैं कौन हूं, सब मैं यही निकालना है कि मैं कौन हूं। आई एम ए स्पेशल नंबर, मैं एक स्पेशल संख्या हूं। टेक अवे फ्रॉम मी ए सिक्स, मेरे में से सिक्स माइनस कर दो, टेक अवे का मतलब है बाहर निकाल दो, माइनस कर दो। एंड मेक होल क्रिकेट टीम, यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स, तो आप अब भी एक क्रिकेट टीम बनाने में समर्थ हो, कब, जब मेरे में से सिक्स माइनस कर दोगे। तो मैं कौन हूं, तो सपोज आई एम इक्वल टू एक्स, मैंने सपोज किया कि मैं एक्स हूं, अकॉर्डिंग टू द रीडर क्या है, मेरे में से सिक्स टेक अवे, माइनस कर दो, एक्स में से सिक्स माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, एक क्रिकेट टीम बनाने में अब भी सक्षम है। तो क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11, तो अगर मेरे में से 6 माइनस कर दोगे तो भी 11 आपके पास से बच जाएगा, इसका ये मीनिंग। तो x इक्वल टू 11 प्लस 6, 6 को राइट साइड लेके गए तो ये माइनस था, तो उधर जाके प्लस हो गया, x इक्वल टू 17, ये मेरी वैल्यू आ गई जो हमने सपोज किया था। तो अब यहां सपोज को हटाकर शो लिखना है, शो आई एम इक्वल टू 17, ये सेकेंड पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, फॉर ईच डे ऑफ द वीक, सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए, मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, मेरे से आगे काउंट करो। इफ यू मेक नो मिस्टेक, यदि आप कोई मिस्टेक नहीं करते, यू विल गेट 23, तो आप 23 प्राप्त करोगे। हु एम आई, मैं कौन हूं, तो ये सपोज करना है,
सपोज आई एम इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू द रिडल क्या है, एक्स से आगे सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए काउंट करना है एक, तो क्या प्राप्त होगा अगर मिस्टेक नहीं करेंगे तो 23। तो मेरे से आगे यानी कि एक्स से आगे वन, किसके लिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो क्या प्राप्त होगा 23। मेरे से आगे सप्ताह के प्रत्येक दिन को काउंट किया है हमने, अब ये काउंट को ऐड कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गया एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 23, एक्स इक्वल टू 23 माइनस सेवन, सेवन को राइट साइड ले गए तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, एक्स इक्वल टू 16, 23 में से 7 माइनस किया तो 16 आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, तो मैं कौन हुआ, शो आई एम इक्वल टू 16, तो इस रिडल में मेरी वैल्यू 16 है। ये थर्ड पार्ट हो गया स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, टेल मी हु आई एम, मुझे बताओ मैं कौन हूं, आई शैल गिव ए प्रेटी क्लू, मैं आपको एक सुंदर हिंट दूंगा, यू विल गेट मी बैक, आप मुझे वापिस प्राप्त करोगे इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22, यदि आप मुझे 22 में से माइनस कर दो, इफ यू टेक मी आउट, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, अगर 22 में से मुझे बाहर निकाल दोगे तो मुझे वापिस प्राप्त करोगे, गेट मी बैक का मतलब है मुझे वापिस प्राप्त करोगे, तो मैं कौन हूं, सपोज आई एम इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, अगर मुझे 22 में से आउट कर दोगे, माइनस कर दोगे तो वापिस मुझे ही प्राप्त करोगे, इट मीन्स 22 में से मुझे माइनस किया तो वापिस मुझे ही पाया, इससे ये इक्वेशन बनेगी। अब 22 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, एक्स को राइट साइड लेके गए हमें तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 22 इक्वल टू 2x, एक्स में एक्स को ऐड किया तो 2x आ गया, 22 बाई 2 इक्वल टू एक्स, इस 2 को हम इधर लेके आए तो ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा, 2 से इसको कैंसिल करो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू 11, सेम बात होती है, तो x की वैल्यू आ गई, ये नीचे लिखना है, शो आई एम इक्वल टू 11, तो मैं 11 हूँ, देख लो अगर 11 को 22 में से माइनस करोगे तो वापस 11 ही आ जाएगा, ये इसमें रिडल में बोला गया था। और स्टूडेंट्स ये अपना फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 11.5 कंप्लीट हो गई और चैप्टर 11 भी कंप्लीट हो गया।